Today I'm going to tell you a social media and TID fact checker जो मैसेज फर्जी है या असली है इसकी पुष्टि करता है। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत अधिक फेक न्यूज आने लगी है, जिसको चेक करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स चाहिए, जिस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं और अब इसमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी साइट बनाई है जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया को फर्जी न्यूज को चेक कर सकते हैं। और ये गाइड हर किसी के लिए है और बहुत से रूल ऐसे बन रहे हैं कि आप अगर गलत न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी केयरफुल एंड डोंट शेयर द इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिलायबल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के मैसेज फर्जी हैं असली, इसकी पुष्टि हम कैसे करें? व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। आज के समय में इन पर रोजाना बहुत से फॉरवर्ड मैसेज आते रहते हैं। ये मैसेज समाचार सामग्री, वेबसाइट लिंक, फोटो, ऐप्स, नौकरी की वैकेंसी और लोगों के काम से जुड़ी अन्य जानकारियों हो सकती है। ऐसे में इसमें कई मैसेज ऐसी जानकारी के साथ आते हैं जो कि खतरनाक या हिंसा से भरे होते हैं। ऐसे में ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि ये मैसेज असली है या फेक है। व्हाट्सएप पर आई फर्जी मैसेज को ऐसे पहचानें, ये 10 तरीकों से। व्हाट्सएप की वेबसाइट पर उसका अपना एक FAQ पेज है जो कि फेक न्यूज़ की पहचान करने के लिए टिप्स देता है। ये टिप्स इस प्रकार से हैं। फॉरवर्ड मैसेज को पहचानें, जरूरी नहीं है जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है वो असली हो। मैसेज पर सवाल उठाएं, अगर कोई मैसेज भेजता है तो उससे पूछें। ऐसे मैसेज की जांच करें जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। अगर अलग दिखने वाले मैसेज से बचें जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। फोटो की जांच करें, लिंक की जांच करें, अन्य सोर्स का प्रयोग करें। किसी भी खबर की जांच करने के लिए किसी अन्य समाचार साइट की मदद लें या TV से उसकी जांच करें। अगर इस घटना के बारे में कई जगहों पर लिखा गया है तो वह सच हो सकता है। बिना समझे मैसेज को आगे ना भेजें। ना पसंद वाले नंबर और ग्रुप को ब्लॉक कर दें। जो फालतू के आपको मैसेज हमेशा भेजता हो उसके नंबर को ब्लॉक कर दें। झूठी खबरें अक्सर फैलती हैं। यदि आपको किसी मैसेज को लेकर संदेह हो तो factcheck.pid.government.in पर जाकर पूछ सकते हैं कि ये मैसेज सही है कि नहीं, तब आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए। अदरवाइज आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्विटर ने भी 3 नए टूल या लेबल पर काम कर रहा है जो कि फेक न्यूज़ के पहचानने और लगाम लगाने में मदद करेगा। कंपनी ने इस लेबल्स को गेट द लेटेस्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग नाम से नाम दिया। तीनों ही लेवल फर्जी की पहचान करने के लिए काम आएंगे। गेट द लेटेस्ट लेवल की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार यह लेवल यूजर को किसी खास टॉपिक के बारे में लेटेस्ट जानकारी मुहैया कराएगा, साथ ही आपको सुझाव और जानकारी भी देगा। स्टे इन्फॉर्म, गेट द लेटेस्ट लेवल पर किसी भी टॉपिक पर जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद स्टे इन्फॉर्म आपको उस टॉपिक पर विस्तार से बताएगा। मिसलीडिंग तीसरा लेवल है, जिसमें मिसलीडिंग लेवल आपको ट्विटर पर मिसलीडिंग का विकल्प देगा, जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि सामने आ रही खबर फर्जी है। तो इस तरह से 3 लेवल पर वो काम कर रहा है ट्विटर, और जब यह इस पे अनाउंस हो जाएगा कि ये इस पे आप काम कर सकते हैं तो आप इन फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक ने भी अपने न्यूज़ के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। जब कोई यूज़र अपने अकाउंट पर बार बार कोई ऐसा कंटेंट शेयर करेगा जिससे फैक्ट चेकर ने खारिज कर दिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक न्यूज़ में COVID-19 वैक्सीन से संबंधित खबरें, इलेक्शन, जलवायु परिवर्तन या कोई भी अन्य विषय शामिल हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग COVID-19 के अलग अलग दवा बिना समझे मुझे बताते रहते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड भी फेक न्यूज़ आती रहती है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी फेक न्यूज़ आती है। देश की सरकार ने भी PID फैक्ट चेक नाम का एक टूल जारी किया हुआ है। यह यूज़र को यह जानकारी देता है कि उनकी फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स या पत्र मिले वो फर्जी हैं या असली हैं। हाइलाइट्स, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के मैसेज की सत्यता की जांच होती है। PID फैक्ट चेकर
चेक करके मदद करेगा आपकी आसान स्टेप को फॉलो कर जान पाएंगे कि मैसेज असली है या नकली। तो आप खुद ही चेक कर पाइएगा कि मैसेज असली है कि नकली। टीआईबी फैक्ट चेकर में आप कैसे फैक्ट चेक रिक्वेस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस प्रकार है, स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार है। फैक्ट चेक रिक्वेस्ट करने से पहले आपको पास इन चीज़ों को की जानकारी होना चाहिए। फैक्ट को टेक को रिक्वेस्ट करने से पहले आपके कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अच्छा नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, समाचार के लिए रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, जैसे आप किस समाचार को चेक करना चाह रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज हुआ है उसका स्क्रीन शॉट लेके, वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य चीज़ें होनी चाहिए। आप वो सारी चीज़ें जब आप पीआईबी फैक्ट चेक को दीजिएगा तो वो चेक करके आपको बताएगा कि फेक न्यूज़ है कि असली है। इस तरह कैसे सत्यता को ये चेक करेगा, उसके लिए आपको पीआईबी फैक्ट चेक पोर्टल पर क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, भाषा का चयन करना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज आपकी है उसको चेक करिए, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और कैप्चा दर्ज करना पड़ेगा। कैप्चा जो होता है वो वेरीफाई करता है आपको, इसलिए एक नंबर आएगा या कुछ फोटो आएंगी जिसको आपको क्लिक करके वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करके क्लिक करना पड़ेगा। अब आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा, उसे आपको दर्ज करना पड़ेगा और सबमिट करके हिट करना पड़ेगा। जब आप ओटीपी को देकर सबमिट कर दीजिएगा तब यूज़र एक फॉर्म पर को भरना पड़ेगा। इस फॉर्म में यूज़र का नाम, ईमेल एड्रेस, समाचार कैटेगरी आदि दर्ज करनी होगी। भाई आप पूछ रहे हैं किसी गवर्नमेंट साइट से किसी इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, जिसमें इसमें ईमेल एड्रेस, समाचार की कैटेगरी आदि देनी पड़ेगी। अब आपके उसके बाद यूज़र को फैक्ट चेक होने वाले कंटेंट की ओरिजिनल कॉपी, टेक्स्ट आदि की जानकारी भी दर्ज करनी पड़ेगी। अब किस फेक न्यूज़, किस न्यूज़ के बारे में आप चेक करना चाह रहे हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपी, टेक्स्ट कॉपी और जो भी जानकारी आपके पास है उसे देना पड़ेगा। उसके बाद रेफरेंस मटेरियल को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फोटो, वीडियो, ऑडियो क्लिप आदि भी अपलोड की जा सकती है। जब एक बार फॉर्म भर जाए तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा दर्ज करना है और सबमिट रिक्वेस्ट पर हिट करना है। पीआईबी उसके बाद इंफॉर्मेशन से जुड़े तथ्यों पर एनालिसिस करेगा और उसके बाद दर्ज किए ईमेल एड्रेस पर उसकी जानकारी को आपके पास भेज देगा। तो लंबी प्रोसेस है, लेकिन इससे आप बच तो सकते हैं ना कि आप फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करिए, और जो रूल्स गवर्नमेंट के बन रहे हैं उससे आपको पेनाल्टी भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से पहले उसको समझिए। अब देखिए, ये न्यूज़ थी कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी युवा बेरोजगारों को 3,500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। प्री रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना, अपना फॉर्म भरें। लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं दी थी और ना ही कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन दी थी। इसमें आवेदन शुल्क जीरो था, योग्यता 10वीं थी, आयु 18 से 40 वर्ष थी, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 31 अक्टूबर दी गई थी। जिसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से करें दिया गया था, जो एक ब्लॉग था जिस पर इस इंफॉर्मेशन को दिया गया था, जो टोटली फर्जी था, जिसको पीआईबी फैक्ट ने चेक किया। दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, जिसको चेक किया गया, जिसमें था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना नहीं चलाई जा रही है। इसमें बताया था कि कन्या आशीर्वाद योजना में हर महीने 2,000 रुपया मिलेगा, जैसा कि मोदी जी ने कुछ अनाउंस नहीं किया था और लोगों ने इसको अनाउंस कर दिया था। संदिग्ध जानकारी यहाँ साझा करें, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें, इस तरह का ये ऐड आया था जो गलत था, और इसको चेक करके पीआईबी फैक्ट चेकर ने बताया कि ये न्यूज़ गलत है। तो
तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को PIB फैक्ट चेकर को दे करके, उसकी न्यूज को दे करके आप चेक कर सकते हैं और फ्रॉड से, फर्जी न्यूज से बच सकते हैं। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। आवर सोशल मीडिया वॉच अस ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टेक रतन, फेसबुक पेज facebook.com MS रतन अग्रवाल, और उसके ग्रुप भी है, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं रतन अग्रवाल 67, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं MS रतन अग्रवाल के नाम से। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज comment on my video and advise me how I can improve myself regarding to these video, और अपने कुछ टॉपिक आप हमें बता सकते हैं जिसको कि आप वीडियो में देखना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या जनरल टॉपिक पे हो, जिससे हम उसको बना करके आपको दे सकें। सो थैंक यू व्यूअर्स।